दिवाली के समय हर घर में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी हमारे पास भगवान जी की मूर्तियां होती हैं या चांदी का और जो सामान होता है और सिक्के होते हैं, इन सबको हम अच्छी तरह हर हालत में क्लीन करते हैं। साल के बाकी दिनों में भी करते रहते हैं, लेकिन दिवाली के खास मौके पर ये काम हर घर में होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं जब सफाई कर ही रही हूँ अपनी सिक्कों को, अपनी कटोरी ग्लास को या फिर अपने भगवान जी की मूर्ति को साफ करने लगी हूँ, तो आपको भी बता दूँ कि मैं क्या ट्रिक अपनाती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ, लेकिन दो ट्रिक्स हैं क्योंकि भगवान जी की मूर्तियों के लिए अलग है और बाकी सामान के लिए अलग। तो दोनों ट्रिक्स में बारी बारी आपको दिखाती हूँ कि मैं चांदी के ये सामान को कैसे चमकाती हूँ। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में जो है ये गर्म पानी डाल दिया। ये मैंने इसलिए डाला है कि टाइम हमारा बच जाएगा और काम जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ले लिया सिल्वर फॉइल और ये मैं इसमें डाल देती हूँ, लेकिन ध्यान रखें जो शाइन करता है ना पार्ट, वो जो है ऊपर की तरफ रखें। इसी तरह से मैं इसमें 6-7 जो पीसीज हैं फॉइल के ये डाल देती हूँ। इसको मैं स्पून से थोड़ा सा पानी में डिप कर देती हूँ और इसमें मैं ये 2 चम्मच भर के ना बेकिंग सोडा ये इसमें डाल रही हूँ। और आपने ध्यान रखना है जैसे ही बेकिंग सोडा डाला, ये हमारे जो चांदी के बर्तन है ये हाथ के हाथ इसमें डालने स्टार्ट कर देने हैं। ग्लास भी ट्राई करती हूँ अगर इतने पानी में आ जाता है, लेकिन बाकी सारा सामान इसमें मैंने डिप कर दिया है। और आप ध्यान रखें कि जो आंच है ना सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें हाई रखनी है, हाई फ्लेम रखनी है, उसके बाद जो है स्लो कर देंगे। आपने देखा ग्लास मैंने साइड से डाला, जहाँ पे ये पानी टच हो गया साफ होता जा रहा है, तो बस इसी तरह से हिलाती रहूंगी और इसको साफ करती रहूंगी। ज्यादा मेहनत नहीं है, ये अपने आप ही काम करेगा। इतना कुछ हमने डाल दिया है, बस उलटते पलटते रहिए सो दैट ये चारों तरफ से साफ हो जाए, ताकि जो किनारे हैं या फिर इसका जो बॉटम है वो भी अच्छी तरह से साफ हो जाए। तो बस अब मैं इस फ्लेम को लो कर देती हूँ 2-3 मिनट के लिए। अब इसको हम लो फ्लेम पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको अंदर पानी भी डाल देती हूँ ताकि ग्लास अंदर से भी साफ हो जाए। और ये कटोरी हमारी, ये देखो कितनी शानदार चमक गई है। तो बस, और बाकी जो है हमारे सिक्के वो भी देख लेते हैं उनका क्या हाल है। ये दिया भी देखिए कितना शानदार साफ हो गया। तो बस अब समय आता है इन्हें बाहर निकालने का। तो ये लीजिए सीधा पानी से निकाल कर मैं आपके सामने ले आई। अब आपने देखा ये कितना शानदार इसमें शाइन आ गया। तो बस इसको क्या करूंगी मैं, पेपर टॉवल से या फिर टिश्यू से इसको अच्छी तरह से वाइप कर लेते हैं थोड़ा सा प्यार से। ये देखिए आपने देखा कैसे ब्लैक थी और कितनी शानदार निकल आई है। तो बस इसी तरह से इन सभी जितना भी मैंने सामान को क्लीन किया है बस इसको वाइप कर लेना है और ड्राई कर लेना है। ये देखिए, ये देखिए, और जो थोड़ा बहुत इस पे कालापन रह जाता है ना, जब आप थोड़ा सा रगड़ के वाइप करेंगे ना, ये उसी में ही साफ हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना, नीचे से भी देखिए कितना शानदार ये क्लीन हो गया ना, कितना शाइन आ गया है। तो बस ज्यादा देर नहीं लगती, इन बर्तनों को इतनी जल्दी हम साफ कर लेते हैं। तो आप भी चांदी के बर्तन जो हैं उन्हें आप इसी तरह से साफ करेंगे तो तुरंत साफ हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है काफी टाइम तक हम यूज नहीं करते ना, तो हल्का सा ये कालापन आ ही जाता है। तो बस इसको साफ करने के लिए ये टेक्निक तो बेस्ट है। आप भी ये ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आप कैसे क्लीन करते हैं। इसके साथ ही चलिए मैं आपको दूसरी टेक्निक दिखाती हूँ कि भगवान जी की मूर्ति है, हमारी आस्था जुड़ी होती है उसके साथ, तो उसको कैसे क्लीन करना है। ये देखिए अब नंबर आता है भगवान जी की, हम मूर्ति को कैसे साफ करें। उसके लिए जनरली मैं क्या करती हूँ, मैं 2-3 तरीके से करती हूँ, आपको एक स्टाइल या 2 स्टाइल तो मैं दिखाई देती हूँ। ये है बेकिंग पाउडर, ये मैंने स्पून भर के ले लिया है और इनको मैं बिल्कुल ड्राई, इनको गीला भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ड्राई जो है बेकिंग पाउडर, इससे मैं इनको क्लीन करने वाली हूँ। आप कोई साफ सुथरा अच्छा सा नया ब्रश ले लें तो उससे आप कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर नहीं चाहिए तो हाथ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे फेस पे मैंने हल्का सा लगाया, आप प्यार से इसे रब करें, क्योंकि जिस तरह से हम फेस को रब करते हैं ना, बस उतना ही प्यार दिखाना है आपने। और इसको हल्का सा, ज्यादा भी रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसको थोड़ा सा रगड़ेंगे और देखेंगे कि ये साफ होने लग गया है और इसमें शाइन आने लग गया है। बाकी पार्ट पे आप जो है ब्रश यूज कर सकते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, नहीं तो फिंगर्स जिंदाबाद। क्योंकि ये डिजाइन बना हुआ है ना देखो कपड़ों का, तो उसमें क्या होता है अंदर तक थोड़ा सा डस्ट चली जाती है, तो आप हल्का सा ब्रश करेंगे तो बिल्कुल चमक आ जाएगी। इसी तरह से बैक साइड में आप हल्का सा ब्रश लगा सकते हैं,
बेकिंग पाउडर तो इतने कमाल की चीज है, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया लेकिन बता देती हूँ कि जो फ्रिज है ना वो भी मैं बेकिंग पाउडर से साफ करती हूँ। मैं कभी भी केमिकल्स यूज नहीं करती हूँ, तो खाने की चीज है, थोड़ा सा रह भी जाएगा तो तंग नहीं करेगा, वैसे रहता नहीं है बट फिर भी हमें ध्यान तो रखना पड़ता है ना। बस चांदी को भी देखो, भगवान जी की मूर्ति को कितना शाइन आ गया है, आप देख सकते हैं डिफरेंस। ये देखिए ऊपर और नीचे भी, मैंने नीचे नहीं किया, सिर्फ ये पोर्शन किया है। इसी तरह यहाँ भी ऊपर वाला पोर्शन किया, अभी नीचे नहीं किया, अभी से कितना शाइन आने लग गया है। बस इसी तरह हल्का हल्का रब करते जाएंगे और इसे चमकाते जाएंगे। तो आपने देखा मैंने ये तीन जो भगवान जी की हमारी मूर्तियां हैं इनको तो मैंने नहला धुला दिया, चमका दिया, अभी नहलाया नहीं है। तो बस अब आप देखिए ये लास्ट रह गया, इसको भी मैं अच्छी तरह से चमका लेती हूँ। उसके बाद क्या करना है अभी आपको एक मिनट में दिखाती हूँ। अब मैंने क्या किया, एक बर्तन में ना ये ल्यूक वार्म वाटर ले लिया है, गर्म भी नहीं है ठंडा भी नहीं है, इतना कि आप आराम से हाथ लगा सकते हैं। तो बस ये भगवान जी की मूर्ति है ना, इसे हमने चमका दिया है। अब या तो इसे आप ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर लें या फिर इन्हें स्नान करवा दें। मैं पहले इन्हें पानी से स्नान करा रही हूँ और दिवाली वाले दिन हम क्या करते हैं, दूध से स्नान करवाते हैं। तो बस अभी मैं इनको स्नान करवा देती हूँ, कपड़े पहना दूंगी और साफ सुथरा बना के मंदिर में रख दूंगी। तो बस ये देखिए इनको नहला दिया है, बड़े प्यार से नहलाना है, ठीक है। और पानी का भी ध्यान रखना है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, जैसे हाथ हम डाल लेते हैं ना जितना बच्चे के लिए हम करते हैं बस उतना ही करना है। तो ये देखिए ये हमने नहला दिया इन्हें, ठीक है। अब इन्हें मैं टॉवल से या कॉटन क्लॉथ से या जो पेपर टॉवल होता है ना उससे इन्हें साफ कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ। तो बस इन्हें मैं पेपर टॉवल से हल्का हल्का पोंछ देती हूँ, या आप चाहें तो कॉटन टॉवल, कॉटन के कपड़े से या टॉवल से इन्हें पोंछ सकते हैं। और इस तरह से देखिए हमने अपनी भगवान जी की मूर्ति को नहला धुला दिया और बिल्कुल चमका दिया। बस अब मैं इन्हें कपड़े पहनाऊंगी और अपने मंदिर में इन्हें रख लूंगी। तो चलिए आप भी दिवाली का मौका है, भगवान जी को नहलाइए धुलाइए और अपना मंदिर भी चमकाइए। आपको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो।